नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। देश में सभी विभागों को समानता की दृष्टि से देखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब बायर्स की समस्या का समाधान करने की ठानी है, जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए, लेकिन बिल्डर्स ने या तो उन्हें धोखा दे दिया या फिर किन्हीं कारणों से बिल्डर्स का प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो पाया। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काम करने की दिशा में आगे बढ़कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने फंसे हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 25,000 करोड़ के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की घोषणा कर दी है, जिसमें से 10,000 करोड़ सरकार देगी और बाकी 15,000 करोड़ के लिए LIC और SBI निवेश करेगी। कैबिनेट ने सस्ते मकानों के प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधानों के लिए मंजूरी दी है, जिसमें निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए बनाए जा रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे कई शहरों में करीब 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं और 4,58,000 हाउसिंग यूनिट का काम अटका हुआ है। सरकार हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिहाज से ये स्पेशल फंड दे रही है। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि ये फंड वैकल्पिक निवेश फंड की श्रेणी में बनाया जाएगा और इसे सेबी में रजिस्टर्ड किया जाएगा, और अगर किसी यूनिट का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, वो अधूरा रह गया है, तो उसे तो सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी दूसरे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इसका लाभ नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने कह दिया है कि NPA घोषित हो चुके हैं और दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे प्रोजेक्ट को भी इस फंड का फायदा मिलेगा। मोदी सरकार की इस पहल से 40,000 से 60,000 यूनिट्स को तत्काल प्रभाव से फंड के जरिए लाभ मिलेगा। इस फंड में सॉवरेन फंड, पेंशन फंड से भी भागीदारी करने पर बात की जाएगी और मदद भी ली जाएगी। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की रकम को और बढ़ाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि आपको इस फंड का लाभ कैसे मिल सकता है। ये फंड सीधे प्रोजेक्ट बिल्डर को नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक अलग खाते एस्क्रो में रखा जाएगा। इलाके की विशेषज्ञ समिति इस पर नजर रखेगी। ऐसा इसलिए ताकि इस धनराशि का इस्तेमाल इसी प्रोजेक्ट के लिए किया जाए। SBI कैपिटल एस्क्रो अकाउंट के जरिए AIF को शुरुआती तौर पर मैनेज किया जाएगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के इस फैसले का फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को होगा। सबसे पहले तो रुका हुआ काम पूरा होगा, इसके अलावा रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सीमेंट, आयरन, स्टील इंडस्ट्री में मांग को बढ़ाने के लिए भी ये कदम उठाया गया है। There are of course a few decisions of the cabinet about which there will be a press release given. But I'm here to address on one issue which pertains to our ministry, and that is we had made an announcement earlier about home buyers, and that a lot of home buyers had approached us saying they are stuck up in a situation where they have paid up the advance and they are just not able to get their flats completed, handed over to them. A rough estimate of the study that the ministry did showed that there are over 1,600 housing projects which are stalled, and approximately 4.58 lakh housing units are stuck in it. Units. 4.58 lakh housing units. Meaning you could call it as a projects are 1,600. I'm not giving you an exact number on that. Over 1,600 projects which are stalled. There are many more, but that which is stalled, we had this number. And in them, about 4.58 lakh housing units, which are stuck, 4.58 lakh housing units. That's right. We have taken a random survey, a lot of figures which came from different sources, the real estate people. We have taken inputs. Hanji. Now, we've also been meeting up with a lot of affected parties, builders themselves, other than large sections of home buyers, and you were aware that everywhere I went to meet with the tax authorities, I also post that meeting met with home buyers and many others. So the information that the ministry collected was by meeting with concerned people, affected people, and also associations which came and met us.
In the last 2 months, we've held several meetings, not just with the affected parties, but also with banks, with the Reserve Bank of India. In fact, I must thank the Reserve Bank of India. Without hesitation, every time we called them, they came over for discussing this matter on the real estate and stalled projects. And one such a meeting, even the governor himself came and sat with us to discuss as to how we can have a sustainable, viable way of reaching out for the home buyers. So with all that, what we've come up now is a special window which is to be structured as an alternative investment fund, as an AIF, which will pool all these investments. Government gives 10,000 crores. We've already spoken with, say, institutions like the SBI, LIC and so on, who together will also put in money, which I think will touch 25,000 crores. SBI and LIC, we've spoken, and they, others also will join in. But this will be kept open. There are a lot of sovereign funds also who have expressed interest to come into it. Gradually, we'll keep adding to the AIF corpus. Haji. Asset alternative investment fund ke nature mein chalega. Sarkar ke 10,000 crore shuruaat mein hum dal rahe hain. 10,000 crore. Aur SBI aur LIC bhi unke paise isme dalenge as an alternative fund. Uska baatcheet hum SBI aur LIC ke saath bhi kar chuke hain, RBI ke saath bhi kar chuke hain, kyunki bank isme पैसा डाल रहे हैं. कुल मिलाकर के हमारे शुरुआत में LIC और SBI और सरकार तीनों को कुल मिलाकर के 25,000 करोड़ तक शुरुआत में हम डाल रहे हैं. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 25,000 करोड़ के साथ ही हम चलेंगे. इसमें सॉवरेन फंड्स और पेंशन फंड्स जो हमसे बात कर रहे हैं उनके पैसा भी जोड़ते जाएंगे जाते जाते के ऊपर. ये स्पेशल विंडो प्रोविजन है. इसके द्वारा हम क्या करने वाले हैं, व्हाट डू वी वांट टू डू विद इट. देश भर का मैंने एक रफ एस्टिमेट नंबर दे दिया है. 1600 स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 4.58 लाख होम बायर्स हैं जिनका हाउसेस स्टक अप, 4.58 हाउसिंग यूनिट स्टक अप है. उसमें से ज्यादातर लोगों ने ऑलरेडी पे करके बैठे हैं कि उनको हाउस नहीं मिला है. 4.58 लाख हाउसिंग यूनिट्स इन ओवर 1600 स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स. ये फंड जो हम अभी ओपन कर रहे हैं उसके द्वारा इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स जो लेस देन 2 crores का वैल्यू हर यूनिट का होगा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, जो 4.58 लाख हाउसिंग यूनिट्स का मैं बोल रही हूं ना, उसका वैल्यू मैं रफली बोल रही हूं, मुंबई एरिया में 2 करोड़ हो सकता है, 1.5 करोड़ हो सकता है एनसीआर में, चेन्नई में, कोलकाता में, पुणे में वगैरह, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद, अप टू दैट लेवल एंड 1 crore इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. फॉर दैट, फॉर दीज इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, इस फंड के द्वारा एक एस्क्रो अकाउंट में पैसा डाल करके एक प्रोफेशनल ग्रुप, शुरुआत में हम SBI कैप के द्वारा चला रहे हैं, वो ही चलाएंगे इस प्रोजेक्ट को. रेरा में रजिस्टर्ड जो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक प्रोफेशनल अप्रोच के तहत नेट वर्थ पॉजिटिव जिनका है, मतलब कुछ आई हैव सोल्ड सम फ्लैट्स, आई हैव मेनी मोर टू सेल, आई हैव असेट्स, ऐसे नेट वर्थ उनका असेसमेंट करने के बाद
those projects will get funded for the last finishing stage tak. 70% complete, 30% incomplete. For completing the 30% incomplete, this money will go to the escrow, not as a lump sum at one go. One stage tak, you need this much, you take that much. That is complete, you take some more. Third stage, you need some more, you take like that. In stages, up to the stage that they complete, we give the money. So that once the handover happens, the home buyer takes it and he is now no longer got to worry about his project complete hoga ki nahi hoga. Agar ye NPAB ho, this project has already been declared an NPA, even then they can benefit from this. Earlier aapko yaad hoga, we came up with two conditions saying those who are not NPA can benefit, and we had also said those who are non-NCLT you can benefit. Now we have withdrawn those two conditions.